जी सत श्रीकाल सारियां तुहाडा मेरे चैनल ते एक बार फिर तो स्वागत है। अज आप बना रहे हैं ट्यूलिप सलवार की वीडियो तो आप शेयर करा कटिंग स्टिचिंग की वीडियो। चलो शुरू करते हैं आप ट्यूलिप सलवार। ये मैं 2 मीटर कपड़ा लिता वा, जो थोड़ी लेंथ 36 तक हैगी है फिर आराम 2 मीटर से कपड़ा बन जूगा। इस तरह आप डबल फोल्ड कर लेना वा, ये उपर वाली साइड बन साइड आ, नीचे वाली साइड खुली आ, ठीक है। जेकर थोड़ी लेंथ ज़्यादा वा 36 तो ज़्यादा हैगी है फिर तो कपड़ा 2 मीटर 2.25 मीटर या 2.5 मीटर लैना पैना, ये थोड़े लेंथ के अकॉर्डिंग आ। इस तरह तुम्हें उन्होंने फोल्ड रख लेना वा उपर वाली साइड पर एक उंगल के नाल दब के, जिस तरह मैं फोल्ड कर रही हूँ वीडियो के, इस तरह उन्होंने फोल्ड करना वा। ये तो बिल्कुल एक जिमें कोन होंगी आइसक्रीम की कोन होंगी उस तरह तो दिखाई देगा। तो इनू इस तरह आप फोल्ड कर लेना वा। अगे वाली साइड तुसी देख रहे हो कि मैं थोड़ा जा कपड़ा लिता वा, ये 2 इंच के मार्जन के हिसाब न लेना वा। एक बार तुसी मेजरमेंट टेप के नाल 2 इंच चैक कर लेना कि आप पूरे जिहड़ी हैगे इस तरह जिहड़े आप रखिया कपड़ा 2 इंच का ही मार्जन रखना वा, ठीक है जी। इस तरह पूरा आप नाप लेना वा। उस तो बाद आप लेंथ नापांगे, लेंथ 1 इंच की आप बैल्ट पावांगे। जिवें मेरी लेंथ 36 है मैं 35 लंबाई लूँगी उपर तो लैके नीचे तक। 1 इंच आप माइनस कर देना क्योंकि 1 इंच की आप इलास्टिक वाली बैल्ट पावांगे। तो इस तरह आप 35 का निशान लगा लिया वा। तो हुण इस तरह उपर का जिहड़ा इंची टेप फड़ के आप नीचे उस तरह 35 तक निशान लगा के इस तरह राउंड शेप लवेंगे, जिमें आप अनारकली बनाने फ्रॉक सूट उस तरह में निशान लगा लेंगे। फिर इतों आप कटिंग कर लेनी है, ठीक है जी। ये अपने को देखो एक कोन तैयार हो गई है पूरी, इनू आप इस तरह ही रखांगे। तो हुण आप लावांगे आसन का निशान। तो आसन का मैं तुहानू दस दिंदी हाँ कि किवें लगाना वा। जिवें मान लो मेरी जिहड़ी हिप 36 के हिसाब नाल बना रही हाँ मैं, 36 के विचों आप 4 नूं इनू डिवाइड करांगे, 36 नूं अपने कोल आजूगा 9 इंच। 36 नूं 4 हिस्से दे विच डिवाइड करन तों बाद 9 आया, 2 इंच दा उहदे विच मार्जिन जोड़ना वा, 11 इंच हो गया। तो आप लगावांगे आसन का निशान 11 इंच, उपरों आप 1 इंच बैल्ट का छड़ दिता वा। तो हुण जिहड़ा हैगा आप 11 इंच ते निशान लगा लेंगे। तो इत्थों एवें आप एक बॉक्स तैयार कर लेंगे आसन का निशान लगाने वास्ते। तुसी वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी हैगी, ताइयों तुहानू पूरी इहदी डिटेल ताइयों पता लगेगी जे तुसी वीडियो नू स्किप नहीं करोगे, क्योंकि ये थोड़ी जी मतलब लगन नू देखन नू बहुत मुश्किल जी लगती है। बट जे तुसी वीडियो स्किप नहीं करोगे पूरी डिटेल दे विच तुसी देख लोगे तां तुहानू बहुत ही आसान लगेगी ये। तो इस तरह जिहड़ा आपां जदों खोलदे आ इहनू फड़ के इस तरह जिहड़ा हैगा अपने कोल कपड़ा आ जांदा वा। तो आपां बंद हिस्से वाली साइड जिहड़ी हैगी आ कटिंग कर लैणी आ। इस तरह बंद हिस्से नूं भी आपां जाने कि खोल लिता वा। तो हुण आपां आसन की सिलाई जिहड़ी है राउंड वाला हिस्सा वा इहनू आपां आसन की सिलाई नूं पूरा जोड़ लांगे। तो इस तरह सिलाई लगाउण तों बाद एक आसन दे उपर सीधे वाली साइड ते आसन नूं पक्का करके उपर स्टिच लगा देंगे। तो इत्थे आपां कट कर लैणे आ, जिवें आपां गले ते कट लगाने हुंदे आ गोल हिस्से दे विच आपां एक कट लगा लैणे आ। तो अपने कोल खोलांगे तो आपां नूं इस तरह लगेगा, ये गुलाई वाला हिस्सा, ये स्ट्रेट हिस्सा जिहड़ा, ठीक है। हुण ये स्ट्रेट जिहड़ा हिस्सा वा इहनू इस तरह फोल्ड करांगे, उल्टी वाली साइड नूं ही फोल्ड करांगे आ। तो ये आपां दूजा पल्ला हो गया, इहनू भी आपां इस तरह फोल्ड कर लैणा वा। तो मैं इनू फोल्ड कर रही सी, मतलब अद्धा मैं थोड़ा जा कर लिया सीगा, 2-3 इंच तक कर लिया सीगा। उस तो बाद मेरे दिमाग दे विच आया कि मेरी जिहड़ी शर्ट है उहदा क्यों ना इहदे विच ट्यूलिप सलवार दे विच टच दे दिता जावे। तुसी जे लैस लगाउणी आ ते एवें स्टिच करन तो बाद उपर इहदे लैस अटैच कर सकदे हो। मेरे को बांधनी दा कुर्ता सीगा मेरा बनाया जिहड़ा, उहदे नाल मैं इह मैचिंग कीती सी। फिर मैं बांधनी दा ही कपड़ा जिहड़ा हैगा सलवार ते आपां उहनू टच दे रहे हां। तो इस तरह उल्टी साइड पर रख के, मतलब सलवार की उल्टी साइड आ, ये उल्टी साइड आ, इनू आपां सीधे की तरफ पलटना वा। तो इस तरह जिहड़ी पट्टी हैगी नीचे की तरफ रख ली है। तो इस तरह आपां सारी जिहड़ी नीचे तक इनू स्टिच कर लेना वा कपड़े नूं। तुसी जे लैस लगाउणी आ ते तुसी इनू फोल्ड करके उपर दी लैस लगा सकदे हो आराम दे नाल। ते हुण दूजे पासे भी मैनूं थोड़ा जिहा उपर नूं लैके जाणा वा, ते ओह मैं लगा रही हां 8 इंच ते।
तुसी थोड़ा जा ऊपर नीचे भी कर सकते हो, 10 इंच तक भी निशान आराम ना लग सकते हो, जिन्नी तुसी उपरों मोरी खुली रखनी है। तो इस तरह मैं नीचे भी एक कपड़ा लगा के इधरली साइड पर भी फोल्ड कर दाँगी। ये हुण मैं उपर वाली साइड पर इनू कपड़े नू ले आई हाँ, ताकि इहदा जिहड़ा टच आ मैनू उपर की तरफ चाहिए वा। एवें मैं पाइपिंग भी कट सकती सी, पर मैनू उपर इहदी पूरी एक बरीक पट्टी चाहिए सी, इसलिए मैं 2 सूत की पट्टी जिहड़ी हैगी उपर दिखा रही हाँ। इस तरह उपर फोल्ड करके इनू उपरली साइड पर स्टिच कर दाँगी। तुसी जिमें कि मेरी वीडियो दे विच पहली वीडियो दे विच भी देखिया वा कि जिहड़ी पट्टी हैगी पूरी फ्रंट पर मैनू सलवार पर दिख रही है। तो इस तरह जिहड़ा हैगा कुर्ती का पूरा टच जिहड़ा हैगा सलवार दे विच भी आ गया। तो बहुत ही ज़्यादा सोहनी लग रही सी कुर्ती, बहुत ही ज़्यादा प्यारा आउटफिट लग रहा है। तो इस तरह आपां दोनों साइड जिहड़े हैगे स्ट्रेट जिहड़ा कपड़ा जा रहा वा उत्थे इह पट्टी अटैच करनी है। तो इस तरह मैं दोनों साइड पर पट्टी अटैच कर लेती है, तुहानूं दिखा दिंदी हां। काफ़ी कॉटन का कपड़ा सीगा इह, तो काफ़ी बल बुल जे पै चुके ने इहदे ते। तो इस तरह देखो उल्टी साइड पर भी कपड़ा आ रहा, फ्रंट पर भी कपड़ा आ रहा, बैक पर भी। तो इनू एवें ही जिवें पहला आपां फोल्ड किया सी उनू उस तरह फोल्ड कर लेना वा। तुसीं वीडियो दे विच मैं क्लीयर दिखा रही हाँ भी किस तरह फोल्ड करना वा। आसन की सिलाई तो हुण इत्थों आपां थोड़ा जिहा जिन्ना कु मार्जिन छड्डना वा वह दोनों साइड पर छड्डना वा। तुसीं 2 इंच भी छड्ड सकते हो, तुसीं 3 इंच भी छड्ड सकते हो, ये तुहाडे ते आ तुसीं किन्ना कु छड्डना वा। इत्थों छड्ड के हुण जिहड़ा आपां मोरी फड़ लैनी है, मोरी नूं इत्थे अटैच कर लेना फ्रंट ते। तो हुण एक बिल्कुल चौक के निशान नाल, चौक नाल इस तरह ये बिल्कुल साइड साइड पर निशान लगा लेंगे, क्योंकि आप स्टिच करनी है जिहड़ी पल्ला वा ये स्टिच कर लेना है। दोनों साइड पर आप इस तरह निशान लगा लेना वा, मार्जिन रख के उत्थे उन्हें फिक्स किया। उस तो बाद मोरी का जिथे तक आप अटैच की है पट्टी उत्थे तक फड़ के इस तरह फड़ लिया इनू, इस तरह बिल्कुल इन सीधा कर लिया। तो हुण इत्थे चौक का निशान लगा लेना, तो हुण इनू इस तरह स्टिच कर लेना वा। तो स्टिच करन दा ढंग जिहड़ा हैगा तुसीं मशीन की परली साइड के कपड़े नूं रखो इस तरह मोरी फड़ के, जिवें मैं दिखा रही हाँ वीडियो दे विच। जे तुसीं दूसरी साइड तो मतलब अटैच करोगे वो तुहाडे मशीन दे विच फस जाणी आ, इह तुसीं बिल्कुल साइड तो दी ही निकल जाणी आ। जिवें तुसीं इहदे विच पाया वा इनू इस तरह बाहरली साइड ते निकल जाणा इहने। तो हुण आपां इत्थे इहनूं मोरी नूं मोरी तो स्टार्ट करनी आ। इत्थे रख के आपां पूरी जिहड़ी पट्टी है जिथे जिथे आपां चौक दा निशान लगाया वा उत्थे उत्थे स्टिच करनी है। उस तो इधर उधर बिल्कुल नहीं करनी हैगी, जिथे जिथे चौक दा निशान आ बस उत्थे उत्थे स्टिच करनी आ। ये देखो तुसीं आराम नाल जिहड़ी हैगी आ परली साइड ते जिहड़ा कपड़ा आराम नाल निकल गया वा। तो हुण जिहड़ी आपां इहदे विच इलास्टिक पाउणी आ, उहदे बैल्ट दा कपड़ा 36 नूं ही 4 नाल डिवाइड कीता, ठीक है जी। 9 इंच आया, 9 इंच दे विच 3 इंच दा मार्जिन लै लिया, 12 इंच आया। तो 12 इंच का जिहड़ा आपां पट्टी कट लैनी आ, 12x24 दो मतलब फ्रंट का अपना जिहड़ा हिस्सा 24 आऊगा तो बैक का 24 आऊगा, मतलब 12x12 इंच दे आपां नूं मतलब 4 हो गए पीस इह, ठीक है जी। 24 इंच की बैल्ट तैयार हुई है, ये आपां 24 इंच की बैल्ट जिहड़ी हैगी रेडी कर लैनी आ। तुसीं देख सकते हो मैं फोल्ड करके दिखा रही हाँ, इत्थे एक कट लगाना, एक इहदे सेंटर च कट लगाना वा। इस तरह ही सलवार दे जिहड़े फड़ोगे दोनों साइडां तो बिल्कुल उन्हां दे कॉर्नर ते कट लगाना वा। हुण इत्थों आपां छड़ देना वा मार्जिन, आपां अटैच कर रहे हाँ बैल्ट इहदी जिहदे विच आपां पावांगे इलास्टिक, इत्थे तक आपां मार्जिन छड़ दित्ता वा। हुण आपां पावांगे बल, वध तों वध इहदे विच 5 बल पैणगे, पर मेरे 6 बल पए सीगे। वह तुहाडे कट ते डिपेंड करदा, जिहड़े तुसीं कट लगाए ने वह कट दे नाल कट मैच होना चाहीदा वा। तो तुसीं इस तरह बल पा सकते हो, तुहाडे जिन्ने भी पैन 3, 4, 5 जिन्ने भी पैन इस तरह कट दे नाल कट तक निशान तक बल आने चाहीदे ने। हुण जिन्ना इत्थों बल तो इत्थे कट तक जिन्ना कपड़ा रह गया तुसीं इधर भी उन्ना कपड़ा ही छड्डना वा, मतलब 5 इंच का, तो 5 इंच तक ही आपां स्टिच करांगे। उस तो बाद अपने जिहड़े बल ने वह पा लाँगे, जिवें नॉर्मल सलवार च बल पाए ने मतलब फ्रंट आमो सामने उवें ही बल पैने ने, उवें फ्रंट ते पैने ने, उवें बैक ते पैने ने। बैक ते थोड़े घट पैंदे ने, मतलब बड़े बल नहीं पैंदे, छोटे बल पै जांदे ने। तुसीं देख सकते हो कि फ्रंट ते मेरे इस तरह आमो सामने बल ने, जिवें नॉर्मल सलवार च पैंदे ने, 6 बल इधर पए ने, 6 ही बल अगे पए ने इधरली साइड ते। इस तरह बैक ते पाए ने, लेकिन बैक ते जिहड़े हैगे ने
बाल थोड़े छोटे। उम्मीद कर दिया तुहानू वीडियो चंगी लगी होगी, जे चंगी लगी वीडियो नू लाइक जरूर कर दियो, शेयर जरूर करियो ते प्लीज़ चैनल नू सबसक्राइब करना ना भुलियो। मिलते हैं हुण नैक्सट वीडियो दे विच, तद तक दे लिए सारयां नू सत श्री अकाल।